नमस्कार, स्पीड न्यूज वीक में आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने अमेरिका पर लगाया आरोप, कहा भारत के चुनाव में रुकावट डाल रहा अमेरिका, भारत को लेकर उसकी समझ कमजोर, पन्नु मामले को लेकर भी लगाए बेतुके आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पर पड़ा छात्र आंदोलन का दबाव, अमेरिका ने इसराइल भेजे जाने वाले बमों की खेप रोकी, राफा में हो रहे हमले के कारण लिया फैसला। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र की हत्या, मामले को लेकर ऑस्ट्रेलिया में हरियाणा के दो युवक गिरफ्तार, इंडियन स्टूडेंट्स के झगड़े में बीच बचाव करने गया था मृतक, सीने में चाकू मारने से हुई मौत। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी, 10 मई को खुलेंगे केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट, भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली, गौरामाई मंदिर गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मिशन साउथ, तेलंगाना के वारंगल में जनसभा को किया संबोधित, कहा सभी सीटों पर होगी भाजपा की ऐतिहासिक जीत। तेलंगाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 2024 का चुनाव राहुल गांधी वर्सेज नरेंद्र मोदी का चुनाव, ये चुनाव वोट फॉर जिहाद के विपरीत, वोट फॉर विकास और राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ, मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव। एसीपीएम रिपोर्ट पर प्रियंका गांधी ने कहा जीवन से जुड़े मुद्दों पर बात करनी चाहिए, बेरोजगारी किसानों के मुद्दे पर बात हो, जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा में कांग्रेस ने राज्यपाल से मांगा वक्त, जेजेपी ने भी भेजा फ्लोर टेस्ट के लिए पत्र, दुष्यंत के तीन विधायक खट्टर से मुलाकात करने पहुंचे। ईडी का सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल पर हलफनामा, जमानत याचिका का किया विरोध, कहा चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार नहीं है। तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, हादसे में 8 लोगों की मौत, 12 झुलसे, राहत और बचाव कार्य जारी। शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 1000 और निफ्टी 350 अंक गिरकर बंद, निवेशकों को लगी 7 लाख करोड़ की चपत, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी छाया मातम। अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर नवनीत राणा का जवाब, हैदराबाद में बोली नवनीत राणा, कहा 15 सेकंड पुलिस हटा लो, 15 भी नहीं लगेगा, दोनों भाई कहां गए। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर बोली सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कहा आचार्य प्रमोद कृष्णम स्मृति ईरानी की भाषा बोल रहे, स्मृति ईरानी जानती है कि अमेठी में उनकी हार है तो वो हर तरह के अटकंटे अपना रही। लोकसभा चुनाव 2024, रामदास अठावले ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत, संविधान बदलने के दावे को लेकर जताई आपत्ति। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बोली कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, कहा जहां जहां हमारी सरकार, हमने वादे किए पूरे, अगर हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो किसानों की कर्ज माफी के लिए स्थायी आयोग बनेगा। एयर इंडिया और क्रू मेंबर्स का विवाद खत्म, एयर इंडिया के सभी क्रू मेंबर्स लौटेंगे के काम पर, सभी निलंबित क्रू मेंबर्स का निलंबन भी लिया जाएगा वापस। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत, टीएमसी बोली संदेश खाली रेप मामला मनगढ़ंत, बीजेपी नेता ने स्टिंग में कहा महिलाओं को उकसाया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा पूरे देश में एक बार फिर से गूंज रहा है वो है एक बार फिर से मोदी सरकार, जनता और जनार्दन कहती है कि जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे, राहुल गांधी के सलाहकार ने कहा था राम मंदिर का निर्माण अनावश्यक। उत्तर प्रदेश के चंदौली में दर्दनाक हादसा, सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 4 लोगों की गई जान, जहरीली गैस की चपेट में आने से गई जान। बैतूल के 4 पोलिंग स्टेशन पर फिर होगी वोटिंग, इन मतदान केंद्रों में बस में लग गई थी आग और जल गई थी चुनाव सामग्री, बस से 6 मतदान केंद्रों की सामग्री, जिसमें 2 मतदान केंद्रों की सामग्री ही बची सुरक्षित। रियल मैड्रिड यूईएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंची, सेमीफाइनल के दूसरे लेग में म्यूनिक को 2-1 से हराया, 1 जून को डॉर्टमुंड से भिड़ंत। एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने की अपनी कैंसर जर्नी पर बात, कहा कैंसर से बचने के लिए सिर्फ 30% चांस से बीमारी का पता चलते ही पत्नी के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर शॉक। फिल्म निर्माता संगीत सिवन का 61 साल की उम्र में निधन, मुंबई के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थे संगीत, सनी देओल, मोहनलाल, रितेश देशमुख, सुनील शेट्टी समेत कई एक्टर्स ने जताया शोक। साउथ स्टार विजय देवरकोंडा का 35वां जन्मदिन, विजय के पास कभी नहीं थे किराए के पैसे, साउथ के बने सुपरस्टार शाहरुख की बादशाहत को ललकारा, लेकिन पहली फिल्म हुई हिंदी धराशाही। रणवीर सिंह ने तलाक की अफवाहों पर लगाया विराम, गर्व से दिखाई दीपिका की अंगूठी, कहा दीपिका के द्वारा दी गई शादी के रिंग और प्लेटिनम सगाई की अंगूठी उन्हें बेहद पसंद। ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी मामला, आरओएचएस के वीसी पद से डॉक्टर सुधीर भंडारी का इस्तीफा, राज्यपाल ने इस्तीफा किया मंजूर। ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी मामले पर गजेंद्र सिंह खिमसर का बयान, कड़ी से कड़ी मिलाकर सारा प्रकरण लाया जा रहा सामने, असली दोषियों को पकड़ना बाकी।
चिकित्सा विभाग का प्रदेशव्यापी विशेष जांच अभियान, प्रदेश भर के स्वास्थ्य केंद्रों पर चल रहा निरीक्षण। एसीएस शुभराज सिंह ने चाकसू उप जिला अस्पताल का लिया जायजा, जगह जगह गंदगी देखकर जताई नाराजगी। मनरेगा संविदा कर्मियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू, ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज विभाग ने जारी किया आदेश, 4,966 पदों पर कर्मचारियों को किया जाएगा रेगुलर। श्रीगंगानगर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, रिकोरिया में मारा छापा, करीब 5,000 लीटर वनस्पित और देशी घी को किया सीज। गंगापुर सिटी में महिला की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या, दो लोगों ने शराब पिलाकर वारदात को दिया अंजाम, 7 घंटे में पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया डीटे। भिवाड़ी में अज्ञात बदमाशों ने किया युवक पर हमला, युवक पर धारदार हथियार से वार कर किया घायल, घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी, पीड़ित युवक ने बताया बदमाशों की थी रंगदारी की डिमांड। उदयपुर में शॉर्ट सर्किट होने से मकान में लगी आग, मकान में रखी नकदी जेवरात सहित कीमती सामान जलकर हुआ खाक, सरपंच की सूचना पर पटवारी और सचिव ने पहुंचकर मौका रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी। सलूमर के गिंगला में दलदल में डूबने से युवक की मौत, भैंस को निकालने के लिए पानी में उतरा था युवक, सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और आगे की कार्रवाई शुरू की। भिलवाड़ा के बदलियास गांव में पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने मटका लेकर किया प्रदर्शन, विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जताया विरोध। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 उदयपुर में प्रथम चरण की समीक्षात्मक बैठक, गोगुंदा उपखंड अधिकारी डॉक्टर नरेश सोनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में कार्यों की समीक्षा के साथ गतिशील कार्यों पर विचार किया गया। प्रतापगढ़ के कचोटिया में बाबा रामदेव की 11 दिवसीय कथा का आगाज हुआ, इसको लेकर मनशापूर्ण महादेव से झियां देवनारायण मंदिर तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई जिसमें सैकड़ों आदिवासी महिलाएं शामिल हुई, समारोह में राजस्व मंत्री हेमंत मीना भी हुई शामिल। सांचौर के करावड़ी में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई, गोचर भूमि पर बने पक्के अतिक्रमण सहित जेसीबी से दूसरों को भी किया ध्वस्त, हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को दिया अंजाम, भारी संख्या में मौके पर पुलिस जाब्ता रहा तैनात। जोधपुर के शेरगढ़ में कृषि अनुदान और पर्याप्त फसल बीमा नहीं मिलने से किसान हुए असंतुष्ट, शेरगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति की केवलचंद चोपड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक, क्षेत्र में सूखा घोषित नहीं होने के कारण किसानों में आक्रोश नजर आया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में पुलिस ने कंटेनर से पकड़ी 311 कार्टन अंग्रेजी शराब, ग्राम पंचायत पलासिया के गांव मंटूनिया से भरकर गुजरात ले जाई जा रही थी शराब, दरगाह चौराहा के पास नाकेबंदी के दौरान पकड़ा शराब से भरा कंटेनर, मौके से आरोपी रतनलाल खटी को किया गिरफ्तार। हनुमानगढ़ में बढ़ते मेडिकल और चिट्टे जैसे नशे के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान शुरू, इसको लेकर कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, अभियान को लेकर दी जानकारी। हनुमानगढ़ में एक दर्जन से अधिक बदमाशों ने व्यक्ति पर किया जानलेवा हमला, मामले में टाउन थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया गया। हनुमानगढ़ की सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने एक वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार, 3 किलो 700 ग्राम अफीम और 17 किलोग्राम पोस्ट बरामदगी के प्रकरण में फरार चल रहा था आरोपी, गिरफ्तार आरोपी मध्य प्रदेश का निवासी है। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीणों के सहयोग से कोदिनेरा गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, शिविर में ग्रामीणों ने 65 यूनिट रक्तदान किया, इस दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ पानी बचाने का संकल्प दिलाया गया। अजमेर के नसीराबाद में रोटरी क्लब की ओर से कराया गया संस्कृत स्कूल का जीर्णोद्धार, रोटरी क्लब और भामाशाहों के द्वारा स्कूल में करीब 5.5 लाख रुपए का जीर्णोद्धार का कार्य करवाया गया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में भारत विकास परिषद की ओर से गोल चौराहे पर भीषण गर्मी का दौर देखकर राहगीरों के लिए ठंडे जल की प्याऊ का शुभारंभ किया गया, अध्यक्ष निखिल सोमपुरा ने बताया कि प्यासे की प्यास बुझाने के लिए यह कार्य किया गया जिससे बड़ी कोई सेवा नहीं। नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब बनाने वाले के काम में आने वाली स्प्रिट की बरामद, पिकअप में 6 प्लास्टिक के ड्रम में भरी थी 1100 लीटर अवैध स्प्रिट, 2 तस्कर किए गिरफ्तार। जयपुर में राजस्थान स्टोरेज बैटरी ट्रेड एसोसिएशन का 25वां स्थापना दिवस समारोह तोतुका भवन नारायण सिंह सर्किल में मनाया गया समारोह, समारोह में फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल बैटरी के अध्यक्ष रहे मुख्य अतिथि। चूरू के सरदार शहर में दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में नहा रहे युवक की डूबने से मौत, स्विमिंग पूल में पानी ज्यादा होने और सेफ्टी पेटी नहीं होने के कारण डूबा युवक को शव को रखवाया अस्पताल की मोर्चरी में, 25 वर्षीय भागीरथ गोस्वामी की गई जान। चित्तौड़गढ़ में रोडवेज बस ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में महिला और ऑटो चालक सहित चार लोग भी घायल, सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस सभी घायलों को जिला अस्पताल करवाया एडमिट, प्रतापनगर चौराहे पर उदयपुर की ओर से आती बस ने मारी थी टक्कर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बढ़ते हैं, जयपुर के चौमू में मनाया जाएगा 429वां स्थापना दिवस, प्राचीन गढ़ गणेश मंदिर में 429 लड्डू का भोग लगाकर दी जाएगी पूजा अर्चना, तो वहीं वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद की ओर से होगा सम्मान समारोह आयोजित। आसीन में शंभुगढ़ थाना क्षेत्र के बरसनी गांव में बाड़ी में लगी आग, अचानक आग लगने से मची अफरातफरी, 50,000 का चारा जलकर हुआ खाक, ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग पर नियंत्रण करने का किया प्रयास।
जयपुर के चामू में सामू थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 23 साल से फरार हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी रामपाल उर्फ राम सिंह पर 5,000 रुपए का था इनाम। साल 2001 में पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात को दिया था अंजाम। कोटा रेंज आईजी रविदत्त गौड़ झालावाड़ के एक दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एसपी कार्यालय में जिले के पुलिस अधिकारियों की अपराध गोष्ठी की बैठक ली, मतगणना और कानून व्यवस्था की समीक्षा करा, कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश। उदयपुर के झाड़ोल में अनियंत्रित कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार हुआ घायल। घायल को राहगीरों ने अस्पताल में करवाया एडमिट। प्राथमिक इलाज के बाद उदयपुर के आरएफ पर, तो वहीं हादसे के बाद कार चालक हुआ फरार। पुलिस ने दोनों वाहनों को किया जब्त। प्रतापगढ़ में दिव्यांग युवक का पेड़ पलटकर शव मिला। शव मिलने के बाद क्षेत्र में फैली सनसनी। एक हादसे दिव्यांग था युवक, क्या करता था मसूरी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उतरवाकर मोर्चे में रखवाया। मामले की तफ्तीश की शुरू। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सूचना केंद्र के सामने बाइक और ई रिक्शा की भिड़ंत हो गई। बाइक इंडिकेटर टूटे से ई रिक्शा चालक और बाइक सवार में हुई कहासुनी। गुस्साए बाइक सवार ने पत्थर उठाकर ई रिक्शा का शीशा तोड़ दिया। मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। अलवर में भीषण गर्मी के पानी की किल्लत, पानी की समस्या को लेकर मिनी सचिवालय पहुंची महिलाएं। एडीएम बीना महावर को समस्याओं से करवाया अवगत। एडीएम बीना महावर ने जिला जलदाय विभाग के एसी से बात कर समस्या का किया समाधान। झुंझुनू के नवलगढ़ में जलदाय विभाग के दावों की जमीनी हकीकत आई नजर, और इसको देखने के लिए निकले तहसीलदार। भीषण गर्मी में जलदाय विभाग के दावे हो रहे फेल। कई इलाकों में गहरा है पेयजल का संकट। तहसीलदार ने सहायक अभियंता से मौके पर बात कर स्थिति सुधारने के दिए निर्देश। चुरू के राजलदेसर में वार्ड नंबर 30-31 में गंदे पानी की निकासी के लिए बना पंप हाउस रेट महीने से खराब। नगर पालिका की लापरवाही के चलते वार्ड के लोगों को हो रहा नुकसान। गंदा पानी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के खेल मैदान में डाला जा रहा। वार्ड वासियों ने दोनों वार्डों के पार्षदों पर सुनवाई नहीं करने का लगाया आरोप। झुंझुनू में राजपूत समाज के तत्वावधान में बीरू शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। समाज ने प्रभु दयाल खेल मैदान बसई से दोपहिया वाहन भगवा रैली निकाली, जो मुख्य मार्ग से होते हुए खेतपड़ी स्थित राजा अजीत जी के स्मारक पर पहुंची। पलौदी में श्रीमद भगवत कथा का पोस्टर विमोचन। 13 मई से श्रीमद भगवत कथा का किया जाएगा आयोजन। कथा के पोस्टर का राम मंदिर चौक में विमोचन। कथा 13 से 19 मई तक होगी। कथा का वाचन करेंगे पंडित हरीश व्यास। पाली के रायपुर में पीएचईडी का रायपुर ब्लॉक में बका 1,40,00,000 का अमाउंट 31 मई तक जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मिलेगी छूट। बकायादारों में अधिकांश सरकारी महकमे भी शामिल। श्रीगंगानगर कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन हुआ। बैठक में कलेक्टर लोकबंधु ने अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। श्रीविजयनगर में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मिलखराज चुग ने पेयजल आपूर्ति की जांच की। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की टीम मौके पर रही उपस्थित। कस्बे के वार्ड नंबर 14 व 15 में संयुक्त टीम ने किया निरीक्षण। नागौर के जैल में पेयजल संकट से परेशान ग्रामीण, ग्रामीणों ने पेयजल टंकी के पास किया विरोध प्रदर्शन। पिछले एक महीने से गांव में जल सप्लाई ठप होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने किया था प्रदर्शन। ग्रामीणों का आरोप, जलदाय विभाग के अधिकारी इस भीषण समस्या के समाधान का नहीं कर रहे प्रयास। विजयनगर में सिद्धार्थ कॉलोनी स्थित सेन मंदिर में सेन समाज विकास समिति की बैठक आयोजन। बैठक में सर्वसम्मति से नवीन सेन को अध्यक्ष चुना गया। सेन के अध्यक्ष बनने के बाद समाजजनों ने उनका पुष्पमालाओं से किया स्वागत। ब्यावर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। महाराणा प्रताप सर्कल पर पहुंचे विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने महाराणा प्रताप की मूर्ति का दुग्धाभिषेक कर माल्यार्पण किया। ब्यावर में धोखाधड़ी पूर्वक कागजातों पर हस्ताक्षर करवाकर ऋण उठाने का मामला। पीड़ितों को फाइनेंस कंपनी के द्वारा नोटिस मिले पर मामले का हुआ खुलासा। मामले को लेकर पीड़ित ने कलेक्टर से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की लगाई गुहार। तालेड़ा में सुवासा कचरा प्लांट व बिजली ग्रिड स्टेशन के बीच आग लगने से 30 ट्रॉली चारा जलकर खाक हो गया। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। ग्रामीणों और दमकल की मदद से 3 घंटे के बाद आग पर किया नियंत्रण। बारा कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने कृषि उपज मंडी से समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र का निरीक्षण किया और किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डूंगरपुर में भीषण गर्मी से गांव और ढाणी से लेकर शहरों तक पानी की किल्लत। जिला अस्पताल भी समस्या से अछूता नहीं। अस्पताल में पानी की सप्लाई के लिए खोदे गए सभी बोरवेल सूखे। अस्पताल प्रशासन टैंकर का ले रहा सहारा। डूंगरपुर के इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी ने विश्व रेडक्रॉस दिवस मनाया। मौके पर निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में 20 देहदान दाताओं और रक्तदाताओं का किया सम्मान। तो वही वक्ताओं ने विश्व रेडक्रॉस दिवस को लेकर अपने अपने विचार साझा किए। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद दुकानदारों और दुकान मालिकों ने खुद हटाया अतिक्रमण। इसके बाद प्रशासन ने बचा हुआ अतिक्रमण हटाने के लिए सभी विभागों के संयुक्त अभियान के तहत की कार्रवाई। धौलपुर के तसीमों के सरपंच पर असामाजिक तत्वों ने किया जानलेवा हमला। सरपंच नीलम परमार अपने पति के साथ मिली से लौट रही थी। रास्ते में उपद्रवियों ने पथराव कर लाठी डंडों से किया हमला। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। जयपुर के चौमू एसडीएम दिलीप सिंह राठौर ने मंडा बिंदा सरकारी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल परिसर में गंदगी देखकर जताई नाराजगी। अधिकारियों को सफाई के दिए निर्देश।
अलवर में डॉक्टर की पत्नी को सम्मोहित कर लूटने का मामला। महिला ने अपना मोबाइल, नकदी, गले से सोने की चेन, दो अंगूठी उतारकर बदमाशों को सौंप दिए। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस कर रही है मामले की तलाश। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस की बड़ी सफलता। दो युवकों पर जानलेवा हमला करने में फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। एक साल पहले दो युवकों पर आधा दर्जन बदमाशों ने की थी मारपीट। इस मामले में चार बदमाशों को पहले किया गिरफ्तार, अन्य बदमाशों की तलाश में भी जुटी पुलिस। सीकर के टटेरा में श्री राजपूत सभा भवन रामकुई टिकाना टटेरा में रंगानुरों की ओर से धूमधाम से मनाई गई महाराणा प्रताप की जयंती। सबसे पहले उन्हें नमन कर किया याद, केसरिया साफा और झंडे लेकर ग्रामीणों ने निकाली शोभायात्रा। झुंझुनू के गुड़ागौरजी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने अनियंत्रित होकर बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। शादी की खुशियां बदली मातम में, हादसे का सीसीटीवी भी आया सामने। फलौदी में राशन डीलरों का बकाया कमीशन दिलाने की मांग। जिला राशन डीलर यूनियन ने जिला रसद अधिकारी जोधपुर ग्रामीण को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन जिलाध्यक्ष भंवरलाल मेघवाल के नेतृत्व में सौंपा गया। जैसलमेर में परशुराम जयंती के मौके पर 12 मई को निकाली जाएगी शोभायात्रा। शोभायात्रा को लेकर ब्राह्मण समाज उत्साहित। गांव गांव शोभायात्रा में शामिल होने के लिए दिया जा रहा निमंत्रण। 10 मई से 3 दिवसीय कार्यक्रमों का होगा आयोजन। श्रीगंगानगर की कोतवाली थाना पुलिस ने बुजुर्ग महिला से लूट की वारदात का किया खुलासा। एक शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। बदमाशों ने महिला से मोबाइल और बैग की लूट को दिया था अंजाम। नागौर की पांचोड़ी थाना पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ अपहरण के प्रकरण का किया खुलासा। नाबालिग बालिका को दस्तियाब कर आरोपी शिवराज को जनाना गांव से किया गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। डिडवाना में महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती राजपूत सभा भवन में समारोह पूर्वक मनाई गई। सौरान राजपूत समाज के लोगों ने विशाल वाहन रैली निकाली। रैली का जगह जगह सर्व समाज के लोगों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। लाडनू के प्रजापति समाज के राष्ट्रीय स्तरीय संगठन भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन का 11वां स्थापना दिवस और पदाधिकारी सदस्यों के सम्मेलन को लेकर तैयारियां। प्रस्तावित सम्मेलन को लेकर समाज के लोगों ने कार्यस्थल का दिया जायजा। ब्यावर में लगातार तीसरे दिन भी भीषण गर्मी का कहर जारी। भीषण गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित। सुबह 11 बजे के बाद घरों से निकलना मुश्किल। नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहरी क्षेत्र की सड़कों पर करवाया जा रहा पानी का छिड़काव। तालेडा थाना क्षेत्र में गवारिया बस्ती में युवक ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या। शादी के माहौल में परिवार में छाया मातम। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को रखवाया मोर्चरी में और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। हीटवेव से तापमान में लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही। ऐसे में राजसमंद नगर परिषद ने दमकल कर्मचारियों ने सड़क पर किया पानी का छिड़काव। उससे आमजन और व्यापारियों को मिली गर्मी से कुछ राहत। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती। राजसमंद के कुंभलगढ़ चौराहे पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। महाराणा प्रताप की जन्म जयंती मनाई गई। साथ ही प्रताप प्रेमियों ने महाराणा प्रताप की जय घोष कर उन्हें याद किया। चलिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।